सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होंगी उनके साथ पैन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, वरना हाई रेट पर TDS काटे जाएंगे। किसी आपको पता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अभी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है और LIC के पे आउट के समय भी इसकी जानकारी देना मैंडेटरी होता है, उसी हिसाब से TDS काटे जाते हैं। यदि किसी का पैन कार्ड लिंक नहीं होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ तो पे आउट के समय यानी मैच्योरिटी के समय हायर रेट से TDS काटे जाएंगे, यानी 20% के रेट से TDS काटे जाएंगे। यदि वो 30% के स्लैब में आता है इनकम टैक्स के तो 28% एक्स्ट्रा TDS काटे जाएंगे, और इस तरह से बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण हर इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ पैन कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। आप चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी के साथ पैन कार्ड लिंक है या नहीं, और यदि लिंक है तो ठीक है, यदि लिंक नहीं है तो उसको आप कैसे लिंक करेंगे, इस वीडियो में वो दोनों विधियां बताई जाएंगी। किस प्रकार से आप चेक करेंगे और किस प्रकार से आप पैन कार्ड अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ लिंक करेंगे, ये दोनों तरीके इस वीडियो में बताई जाएंगी। आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस इस पर अपलोड की जाती हैं। अन्य लोगों की सहायता के लिए इस वीडियो को दूसरे लोगों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। चलिए मुख्य वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आप गूगल पर जाएंगे और वहां लिखेंगे LIC पैन लिंक स्टेटस। जैसे ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक सीडिंग ऐप खुल जाएगा। ये ऊपर में देखिए LIC पैन स्टेटस लिखी हुई आ रही है, LIC सीडिंग ऐप, यहाँ पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पे टच करेंगे तो ये LIC का ऑफिशियल पेज खुलेगा जहाँ से आपको चेक कर पाएंगे। यहाँ सबसे ऊपर देखिए पॉलिसी नंबर लिखने की जगह है, ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आप पॉलिसी नंबर डालेंगे, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे सही फॉर्मेट में, यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और नीचे में ये कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। और ये सबमिट करेंगे तो ये आपका स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपका पैन LIC के साथ लिंक है या नहीं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर पॉलिसी नंबर डाल दी गई, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही फॉर्मेट में डालना है, जिस फॉर्मेट में वहां पर एग्जांपल में ऊपर लिखी हुई है उसी फॉर्मेट में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे जो पैन है कस्टमर का, उस पैन नंबर को यहाँ पर पैन को एंट्री करेंगे, नीचे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद नीचे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई आ गई, योर पैन डिटेल्स आर अवेलेबल इन आवर रिकॉर्ड्स एज पर इनपुट प्रोवाइडेड फॉर द पॉलिसी नंबर। अगर लिंक नहीं होगी तो यहाँ पर आ जाएगा पैन डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, तो इसका मतलब ये अवेलेबल है। जब नॉट अवेलेबल आएगी तो फिर कैसे लिंक करेंगे, आइए उसको देखते हैं किस तरह से आप LIC पॉलिसीज के साथ पैन को लिंक करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ लिखेंगे लिंक पैन विथ LIC पॉलिसी। यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये आ गई लिंक पैन LIC सीडिंग ऐप, यहाँ पर टच करेंगे। जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो ये इसका ऑफिशियल पेज खुलेगा जहाँ पर आप पैन को लिंक करेंगे अपने LIC पॉलिसी से। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ मेल फीमेल डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे और जो पैन में नेम है वो फुल नेम नीचे डालेंगे। उसके नीचे देखिए मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे में पॉलिसी नंबर डालेंगे और ऐड करेंगे, बगल में ऐड का ऑप्शन है वो ऐड पर टच करेंगे। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स पर टच करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा डालने के बाद गेट OTP पर टच करेंगे। ये कैप्चा डालेंगे और गेट OTP पर टच करेंगे। जैसे ही OTP पर टच करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उस OTP को सबमिट करके ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया गया जो LIC में दी हुई है, मेल फीमेल जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लिया गया, ईमेल आईडी डाल देंगे, उसकी ईमेल आईडी को डाल दी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद उसके पैन नंबर को यहाँ पे डालेंगे,
जो पैन लिंक करनी है उस पैन नंबर को डालेंगे, पैन में जो नेम है वो फुल नेम यहां पर लिखेंगे, उसके नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर दी हुई है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, उसके नीचे यहां पे पॉलिसी नंबर डालेंगे जिस पॉलिसी के साथ पैन को लिंक करनी है, वो पॉलिसी नंबर डालने के बाद राइट साइड में जो ऐड पॉलिसी का ऑप्शन है वहां पे टच करेंगे। तो देखिए ये पॉलिसी ऐड हो गई, नीचे में ऐड हो गई। इस तरह से और भी पॉलिसीज को आप चाहें तो उसके ऐड कर सकते हैं यदि उसकी एक से अधिक पॉलिसीज है। उसके बाद यहां पे आप और भी पॉलिसी नंबर डालकर ऐड कर सकते हैं, नीचे चेकबॉक्स पे चेक कर लेंगे, टच करेंगे और ये जो कैप्चा है वो कैप्चा डाल लेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पे सेंड कर दी गई। अब इस जगह पे उस OTP को डालेंगे, जो OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई है उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। चलिए OTP डाल दी गई और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए रिक्वेस्ट ऑफ पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड, योर पैन रिसीव्ड फॉर लिंकिंग टू योर फॉलोइंग LIC पॉलिसीज, पॉलिसी नंबर दे दी गई और ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। 2 से 3 दिनों के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, पैन LIC पॉलिसीज के साथ लिंक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इजीली पैन को LIC पॉलिसीज के साथ लिंक कर सकते हैं। थैंक यू।